नितेश हाँ भैया। देखो ये क्या हो रहा है। भैया ये चिड़िया पिंजरे के अंदर और यही चिड़िया पिंजरे के बाहर, ये कैसे? भैया यह कमाल है हमारे इस प्यारे बरमे का। मुझे भी बनाना सिखाइए। बिल्कुल जरूर तुम्हें हम ये बनाना सिखाएंगे। देखो लेकिन इसके लिए क्या-क्या चीजें चाहिए ये पहले तुम्हें पता होना चाहिए। तो देखो इसके लिए हम दर्जी की दुकान से किसी खाली रील की गिट्टक ले लेते हैं, ठीक, और धागा, ठीक है। उसके बाद इसमें छेद करने के लिए किसी सूजे को ले लेते हैं, किसी नुकीली चीज को लेते हैं इसे छेद करने के लिए। और ये देखो ये गिट्टक, ठीक, और ये धागा और ये सूजा, और धागे को पिरोकर इसमें डालने के लिए एक बड़ी सुई का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ये। उसके बाद फूल झाड़ू की सीक, ये मोटी सी थोड़ी सी होती है इसलिए फूल झाड़ू की सीक ले लेते हैं, ठीक है। और ब्लेड भी लेते हैं क्योंकि हमें आगे इसमें छेद करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसे काटना पड़ेगा, इसलिए हम ब्लेड भी लेंगे। अच्छा, और ये धनुष बनाने के लिए, ये जो धनुष बनाया था ना इसे बनाने के लिए एक लकड़ी, कोई भी लकड़ी लेते हैं इस धनुष को बनाने के लिए, ठीक। और इन चीजों की सहायता से अब बनाएंगे हम अपना प्यारा बर्मा। तुम खुद बनाओगे अब, जी ठीक। भैया। अच्छा ये लो, अब इसमें सबसे पहले छेद करो। हाँ ये ठीक, ये छेद किया। छेद करने के बाद अब इसमें लो, पकड़ो इसको, इसमें डालो ये धागा, इसी छेद में अंदर से धीरे से डालना। हाँ ये लो, ये देखो धागा डाला। धागा डाल दिया इस तरह से, ठीक, ये धागा पड़ गया। अब इसको यहां पे रख, ये देखो धागा डाल दिया। अब क्या करते हैं, ये लकड़ी जिससे हम धनुष बनाएंगे, ठीक, अब इसके एक सिरे पर ये धागे को बांध देंगे, ये धागे को बांध दिया। ये देखो ठीक, अब इस धागा हमारा है, इसका दूसरा सिरा भी इसी लकड़ी पर, इसी डंडी पर बांधेंगे। इसे पकड़ो तुम, मैं बांधता हूं, ठीक। बहुत ज्यादा कस के नहीं बांधते, थोड़ा ढीला रहना चाहिए क्योंकि अभी हमें इसके अंदर डंडी भी डाल दी, ठीक, तो इसलिए बहुत कस के नहीं, थोड़ा ढीला करके गांठ लगा दी इसमें, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो अब हम ये बहुत ध्यान से देखना, इसके अंदर अब डालनी है लकड़ी, ठीक, ये देखो ये कोई लकड़ी है। अब इसमें से पहले धागे को निकाल लो, ये देखो ऊपर धागा ये निकल आया, ठीक। अब इस लकड़ी को डालने का तरीका देख लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये धागा निकाल लिया, पहले क्या किया हमने, धीरे से अंदर से धागा निकाल दिया, अब इसको धीरे से घुमाया, ये देखो क्या किया, धीरे से घुमा के और ये अंदर डाल दिया, ठीक। अब ये हमारा खिलौना बनकर तैयार हो गया, ये देखो है। अरे भैया ये हाँ तो बिल्कुल गेंद की तरह घूम रहा हाँ है। ये देखो गेंद की तरह घूम रहा है, हाँ जी। और इसमें हम विभिन्न प्रकार की आकृतियां लगा सकते हैं, अरे ठीक। वाह, इसमें तो अपनी मन चाही चीजें बना सकते। हाँ ये जो डंडी है ना इसमें देखो यहां पर ब्लेड से छेद करके है, और इसमें चाहे हम ये गोला लगा दें है, या फिर कोई और आकृति लगा दें, जो मुलायम तार आते हैं उन्हें मोड़कर विभिन्न आकृतियों में मोड़कर गोल मोड़ दिया या आयताकार मोड़ दिया, और उसके बाद इसके ऊपर लगा देते हैं, है?
और लगाने के बाद जब हम धनुष को सीधी रेखा में घुमाते हैं तो यह अंदर की सीख गोल रेखा में गति करती है, ठीक। और इसे सजाने के लिए इसके ऊपर अबरी वगैरह लगा दो, ठीक, तो यह तुम्हारा खिलौना ठीक इस खिलौने की तरह सुंदर दिखने लगेगा, ठीक। ये देखो। अच्छा नितेश, हाँ जी, तुम एक बात और समझाते हैं। ये देखो, ये निकाला, अब जरा इस लकड़ी को घुमाओ, ये इस लकड़ी को घुमाना जरा। क्या हो रहा है? अरे भैया, ये तो धनुष चल रहा है। हाँ, जब तुम लकड़ी को गोल गोल घुमाते हो तो ये धनुष आगे या पीछे जाता है। इससे एक बात और समझी जा सकती है, पता है क्या? क्या? देखो, ये हमारे पास, हटाओ इसको, ये देखो हमारे पास ये रेडियो है। अब रेडियो में ये घुंडी, ये गोल गोल घुंडी है, जब हम इसको घुमाते हैं तो इसका ये अंदर जो काटा है वो बाईं ओर या दाईं ओर जाता है। जब हम इस घुंडी को घुमाते हैं तो काटा इधर उधर जाता है, ठीक। तो ठीक इसी सिद्धांत पर जैसे तुमने इस लकड़ी को गोल गोल घुमाया था, देखो गोल गोल घुमाया था, तो यह धनुष किस रेखा में, एक सीधी रेखा में गति कर रहा था। ठीक यही सिद्धांत इस रेडियो में भी है कि जब रेडियो की घुंडी को कैसे गोल घुमाते हैं तो उसका कांटा आगे पीछे गति करता है, ठीक। अब देखो इसमें ये अपने इस खिलौने में जरा ये गोला लगा के देखते हैं कैसा लगता है। ये लगाया, अब चलाए। हाँ जी। अरे वाह, ये तो बॉल की तरह घूम रहा है। हाँ, यह गेंद की तरह बिल्कुल लग रहा है, तुम चला के देखो। ये तो बहुत अच्छा खेला।